आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्पाइस मनी की आईडी कैसे ले सकते हैं, स्पाइस मनी क्या है। अगर आपके पास पहले से कोई शॉप या दुकान है तो आप स्पाइस मनी की आईडी लेकर अपने कस्टमर को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉप या दुकान नहीं है तो आप एक बैंकिंग पॉइंट डालकर आप बैंकिंग का काम कर सकते हैं और आप महीने में 20 से 50 हज़ार रुपये तक इनकम कर सकते हैं। आपको स्पाइस मनी में AEPS DMT जैसी सर्विसेज मिलती हैं और रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह की, जिससे आप किसी के खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, किसी के खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें आपको करने की फैसिलिटी मिलती है और आपको रिचार्ज एंड बिल पेमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि स्पाइस मनी में आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और इन सर्विसेज पर आपको कितना कमीशन मिलेगा और कैसे आपको वर्क करना है और कैसे आप इसकी आईडी ले सकते हैं। गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। स्पाइस मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में आपको सर्च करना है spicemoney.com या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट स्पाइस मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर इनके कुछ सर्विसेज हाईलाइट किए गए हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आवर सर्विसेज मिल जाएगी, यानी आपको स्पाइस मनी में क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला ही आपको बैंकिंग सर्विस मिलता है, उसके बाद पेमेंट सर्विस, डिवाइस एंड अदर सर्विसेज है, ट्रेवल टूर सर्विस है और यहाँ पर बड़ा बाजार सर्विस है और सुरक्षा यानी इंश्योरेंस की सर्विस और यहाँ पर आपको लोन की सर्विस, यानी आपको यहाँ पर काफ़ी सारी सर्विसेज मिलती हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की आपको। तो बैंकिंग में अगर देखते हैं तो नो मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंकिंग में जो जो सर्विसेज होंगी यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको AEPS मिलेगा, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS से आप किसी के खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और आप किसी के खाते से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ये तीन चीज़ें आप AEPS से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मनी ट्रांसफर यानी DMT का ऑप्शन मिलता है, यानी आप किसी के खाते में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको DMT यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है, यानी आप इंडिया में किसी के खाते पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं कैश विड्रॉल थ्रू मिनी ATM। यहाँ पर आपको मिनी ATM की फैसिलिटी मिलेगी, आप मिनी ATM के थ्रू कैश विड्रॉल कर सकते हैं UPI कैश, यानी आप किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो UPI के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। UPI का आपको QR कोड मिलेगा, QR कोड के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको MPOS यानी स्वाइप मशीन मिलेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप इसमें स्वाइप करके आप किसी के खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। आधार पे की फैसिलिटी मिलेगी, आधार पे से भी आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। आपको प्रीपेड कार्ड मिलेगा इस तरीके से, ये क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, इस प्रीपेड कार्ड से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेमेंट सर्विस की। ये तो हो गई बैंकिंग सर्विसेज में आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट सर्विस पर नो मोर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी पेमेंट सर्विसेज रहेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले देख सकते हैं कैश कलेक्शन पॉइंट, यानी आपको CMS की फैसिलिटी मिलती है। कोई भी कंपनी का आपको कैश कलेक्शन करना होगा तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। BBPS यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS के थ्रू आप यूटिलिटी बिल पेमेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, DTH, ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल फ़ोन रिचार्ज आप यहां से बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आपको इतनी ही दो सर्विसेज मिलती हैं, यानी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं और आप यहां से कैश कलेक्शन का काम कर सकते हैं। तो यहां पर आपको और भी सर्विसेज मिलती है, जैसे आप डिवाइस एंड अदर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप बायोमेट्रिक मशीन ऑर्डर कर सकते हैं, पैन कार्ड की सर्विस मिलती है, आप यहां से पैन कार्ड की सर्विस लेके किसी का पैन कार्ड बना सकते हैं और पैन कार्ड में अगर करेक्शन वगैरह करवाना है तो यहां से करेक्शन वगैरह भी आप पैन कार्ड का करवा सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है टूर एंड ट्रेवल सर्विस, तो यहां से आप फ्लाइट टिकट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग और होटल टिकट बुकिंग भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आपका टूर एंड ट्रेवल में सभी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। और यहाँ पर आपको बड़ा बाज़ार पर क्लिक करेंगे, नो मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बड़ा बाज़ार इनका जो जो रहेगा इनसे टाई अप करके, जैसे इफ्को टोक्यो से अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको अमेजोन इजी का ऑप्शन मिलता है, अमेजोन इजी आपका एफिलेट मार्केटिंग की तरह है, यहाँ से आप कोई भी आपके थ्रू शॉपिंग करता है तो आपको उसके बदले कमीशन मिलता है। यहाँ पर आपको सुरक्षा मिलता है, यानी आप पॉलिसी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने स्पाइस मनी में जितनी भी सर्विसेज थी मैंने यहाँ पर आपको बता दी, इतनी सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं इन सर्विसेज के बदले आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। स्पाइस मनी में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अधिकारी यानी आप इसमें जुड़कर 20 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ हमेशा आप कमा सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनके एडवांटेज मिल जाएंगे, यानी इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वन स्टॉप शॉप यानी एक ही दुकान पर आपको डिजिटल एंड फाइनेंशियल सभी सर्विसेज मिल जाएंगी। और स्पाइस मनी का जो ऑनबोर्डिंग होता है काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी तरीके से आप इसकी आईडी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट मिलता है, यानी कम इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस चाहिए होता है और फिंगरप्रिंट डिवाइस से आपके पास मोबाइल या लैपटॉप से आप इसका काम कर सकते हैं। हाई अर्निंग पोटेंशियल रहेगा, इसमें आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है। आपको सिक्योर एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिलेगा, यानी आपका ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी सिक्योर रहेगा। आप ट्रस्ट ऑफ स्पाइस ब्रांड, यहाँ पर स्पाइस मनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, यानी आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। इनके पार्टनर देख सकते हैं, ICICI बैंक है, इंडसइंड बैंक है, अमेजॉन है, कोटक है, NPCI, भारत बिल पेमेंट, यहाँ पर IRCTC जो इनके पार्टनर हैं यहाँ पर बताए जाते हैं, यानी काफ़ी सारा इनके पार्टनर भी हैं। ये तो दोस्तों हो गई कि सर्विसेज की बात और इसमें क्या क्या आपको सर्विस मिलेगी आप इनके थ्रू चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि आप इनका कमीशन कैसे चेक कर सकते हैं, कि कमीशन आपको कितना मिलेगा। तो कमीशन की बात कर ले तो दोस्तों सबसे पहले बता दें आपको, मिनी स्टेटमेंट में आपको 2 रुपये तक का कमीशन मिलेगा अगर आप किसी का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको APS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में कितना कमीशन मिलेगा। तो APS में 200 से कमीशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं कि आपको 499 से कमीशन स्टार्ट करती हैं, लेकिन आपको स्पाइस मनी 200 से ही कमीशन स्टार्ट कर देता है। 200 से 999 के बीच में आपका 50 पैसे है और 1000 से 1499 में आपका 1 रुपये। इसी तरह देख सकते हैं कि आपको हाईएस्ट रिटेलर को 10 रुपये का कमीशन मिलता है। बाद अगर हम DMT की बात कर ले यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की, तो DMT पर आपका चार्ज देख सकते हैं अप टू 5 लाख में आपको 0.3% का 0.52% यह आपका चार्ज लगेगा। यहाँ पर इसमें कैशबैक 0 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 लाख से 15 लाख के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो कितने पर कितना आपको लगेगा और कितना आपको कैशबैक मिलेगा। ये तो बात हो गई दोस्तों इनके सर्विसेज की और इनके कमीशन की। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आप स्पाइस मनी की आईडी कैसे ले सकते हैं। स्पाइस मनी की आईडी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसको आपको सेल्फ यानी खुद से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से स्पाइस मनी अधिकारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगी, वहाँ से भी इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि कौन से लैंग्वेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इस ऐप को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेलकम टू स्पाइस मनी कुछ फीचर हाईलाइट किए गए हैं। यहाँ पर आप स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको परमिशन रिक्वायर्ड कुछ परमिशन अलाउ करना होगा। कंटिन्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जितने भी परमिशन आपसे मांगता है सभी परमिशन को आपको यहाँ पर अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। साइड आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ज्वाइन स्पाइस मनी नाउ, जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आप स्पाइस मनी में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। उसके बाद गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके नंबर पर OTP आएगा। से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रेडी रखना है और ये आपका प्रोसेस 20 से 30 मिनट का होगा। उसके बाद आपका स्पाइस मनी का आईडी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालनी होती है 5888 57, ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है और यहाँ पर इनका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आ जाएगी। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे पर्सनल डिटेल, इन्फॉर्मेशन, सेल्फी फ़ोटो वगैरह। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी होती हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। इसमें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको बेसिक डिटेल डालनी है, कैसे पैन कार्ड डिटेल, कैसे आपको बैंक डिटेल, शॉप की डिटेल्स, यहाँ पर कैसे सेल्फी फ़ोटो लेना है, कैसे आपको स्मॉल वीडियो बनाना है, सारा कुछ मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे 24 घंटे में आपका आईडी मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, पर देख सकते हैं मैंने आपको नंबर दे दिया है, एक डिस्प्ले में शो कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं 9024184641 ये नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर है। आपको एक बात और बता दें कि आप रिटेलर आईडी यानी एजेंट आईडी के साथ साथ सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी। इनसे आप कॉन्टैक्ट करके सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हैं। जैसे ही आपका आईडी पासवर्ड आपको मैसेज में मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको आईडी डालनी है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपको
प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आप स्पाइस मनी में लॉगिन हो जाएंगे। होने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सभी सर्विसेज मिल रही हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, यहाँ पर आपको APS, DMT काफ़ी सर्विसेज मिल रही हैं। जैसे मिनी स्टेटमेंट वगैरह अगर किसी का निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा हिस्ट्री का ऑप्शन, यहाँ से हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको कमीशन मिलेगा तो यहाँ अर्निंग पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना कमीशन चार्ट वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्पाइस मनी की ID फ्री में ले सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 24 घंटे में आपके मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।